नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ अंकिता। आईपीएल 2023 का फाइनल मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया। इस मैच में सीएसके ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हरा दिया। सीएसके की इस जीत के साथ ही उनकी टीम ये 5वां आईपीएल खिताब अपने नाम कर ली है। सीएसके की जीत में रविंद्र जडेजा का अहम योगदान रहा। जडेजा ने इस मैच के अंतिम 2 गेंदों पर 1 छक्का और 1 चौका लगाकर अपनी टीम को फाइनल में जीत दिलाई। मैच खत्म होने के बाद सीएसके के कप्तान एमएस धोनी ने रविंद्र जडेजा को अपनी गोद में उठा लिया। इसके साथ ही रविंद्र जडेजा और एमएस धोनी के बीच का ये पल क्रिकेट इतिहास में अमर हो गया। इसका पल वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। चेन्नई की जीत के हीरो रविंद्र जडेजा रहे। उन्होंने आखिरी 2 गेंद में बाजी पलट दी, 1 छक्का और 1 चौका लगा टीम को चैंपियन बना दिया। जीत के बाद रविंद्र जडेजा दौड़ते हुए डगआउट की तरफ गए और वहां खड़े कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें गले से लगा लिया। सिर्फ धोनी ही जडेजा को गले नहीं लगाए, बल्कि फाइनल देखने के लिए स्टेडियम में जडेजा की विधायक पत्नी रिवाबा भी मौजूद थी। जडेजा की जीत का चौका लगते ही वो भावुक हो गई और उनकी आंखें नम हो गई। इसके बाद वो मैदान में आई और उन्होंने जडेजा को गले लगा लिया। इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं और कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें धोनी के सामने पड़ते ही रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा की आंखों में आंसू बहने लगे। बता दें कि आईपीएल 2023 के बीच कई मौकों पर धोनी और जडेजा के बीच अनबन की खबरें आई थी। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स के आखिरी लीग मैच के बाद सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में धोनी और जडेजा के हाव भाव में ऐसा लगा जैसे दोनों के बीच किसी बात की तनातनी है। इसके बाद जडेजा ने एक ट्वीट किया था जिस पर पत्नी रिवाबा ने भी कॉमेंट किया था। दिल्ली के खिलाफ मैच में रविंद्र जडेजा ने 4 ओवर में 50 रन दिए थे, लेकिन उनके हाथ कोई विकेट नहीं आया। इसके बाद एक वीडियो सामने आया था जिसमें धोनी और जडेजा के बीच बातचीत का वीडियो वायरल हुआ था। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि धोनी और जडेजा के बीच गेंदबाजी को लेकर ही बहस हो रही थी। वहीं जीत के बाद रविंद्र जडेजा और उनकी पत्नी रिवाबा जडेजा ने एमएस धोनी के साथ फोटो खिंचवाई। जडेजा ने फोटो शेयर करते हुए कप्तान धोनी के लिए खूबसूरत लाइन लिखी। जडेजा ने आईपीएल ट्रॉफी के लिए अपनी पत्नी रिवाबा जडेजा और एमएस धोनी के साथ फोटो शेयर की। उन्होंने इस फोटो के साथ धोनी के लिए खूबसूरत कैप्शन भी लिखा। उन्होंने लिखा, हमने ये सिर्फ आपके और सिर्फ आपके लिए किया एमएस धोनी, माही भाई आपके लिए कुछ भी। आपको बता दें कि बारिश से प्रभावित आईपीएल फाइनल सोमवार को रिजर्व डे पर खेला गया। गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 214 रनों का विशाल स्कोर बनाया। दूसरी पारी में बारिश आई जिसके वजह से कई घंटे तक मैच रुका रहा। मैच शुरू हुआ तो सीएसके के लिए 15 ओवर में 171 रनों का लक्ष्य रखा गया। ऋतुराज गायकवाड़ और कॉन्वे ने पहले विकेट के लिए 74 रनों की अच्छी साझेदारी की। दोनों ने ये साझेदारी 39 गेंदों में बनाई। अच्छी शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन गायकवाड़ और कॉन्वे दोनों एक ही ओवर में आउट हो गए जिसके बाद सीएसके पर भी दबाव आ गया। अजय किरहाने ने 13 गेंदों पर 27, शिवम दुबे ने 21 गेंदों पर 32 और अंबाती रायडू ने 8 गेंदों पर 19 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। एमएस धोनी पहले ही गेंद पर आउट हो गए। रविंद्र जडेजा ने अंतिम 2 गेंदों पर बड़े शॉट लगाकर सीएसके को चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंतिम ओवर में सीएसके को जीत के लिए 13 रन की जरूरत थी। पहली गेंद डॉट और अगले 3 गेंद सिर्फ 1-1 रन आने से गुजरात मानो जीत तक पहुंच आई थी। अंतिम 2 गेंदों पर सीएसके को 10 रन चाहिए थे। जडेजा ने पहले गेंद में छक्का और दूसरे गेंद पर चौका लगाकर एक रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को जिता दिया। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों की जानकारी के लिए बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।